सिंगरौली में भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे ने बताया कि देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बजट का उद्देश्य देश को स्वावलंबी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है। केंद्र सरकार के बजट की तारीफ करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे ने बताया कि इस बजट का उद्देश्य आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, आधुनिक व प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना है। पांडे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के उज्ज्वला जन धन, प्रधानमंत्री आवास व आयुष्मान योजना को भारत को विश्व गुरु बनाने वाली योजनाएं बताई। आने वाले समय में होने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में बताया कि महापौर प्रत्याशी को लेकर कोई अभी किसी बारे में विचार नहीं किया गया है। कई लोग अपना दावा करते हैं, यह निर्णय संगठन करेगा। 2021 और 22 का बजट संसद पर पेश किया गया है। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे, उनको मिले। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है। उज्ज्वला योजना को लेकर के 1 करोड़ परिवार तक सिलेंडर पहुंचाए जाए। ऐसी प्रधानमंत्री आवास को लेकर की एक बड़ी योजना बनी है, वो विस्तार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो गई है। मुझे लगता है जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से ये कोरोना का कालखंड रहा है, आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया की खराब हुई है, उन स्थिति पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से बजट वित्त मंत्री के द्वारा जो पेश किया गया है, मुझे लगता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़ता हुआ कदम है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिंगरौली के द्वारा आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री माननीय राजेश पांडे जी ने अभी आम बजट पर प्रेस वार्ता की। हम सबों ने आपके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि यह आम बजट कितना लाभकारी इस आम जनमानस के लिए है। जैसा कि मुख्य रूप से 35,000 करोड़ रुपए से आज हम इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो वैक्सीन योजना प्रारंभ किया है भारत सरकार ने, इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की ओर या भारत अग्रसर हो उसके लिए 27,00,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। और पूरी योजनाओं में हम मध्य प्रदेश के आम जन नागरिक के लिए जो जो योजना इस आम बजट में पारित हो सकती थी वह पारित हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।